हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम जरा हटके स्टार्टर रेसिपी बनाएंगे। चीज नूडल रोल्स बनाने जा रहे हैं। चीज नूडल रोल बनाने के लिए ये हमने एक नूडल्स केक लिया है, उसके साथ में उसका टेस्ट मेकर भी है। ये पांच हमने उड़ीद के पापड़ लिए हैं, एक हमने चीज़ का क्यूब लिया है और पानी हमें नूडल्स बनाने के लिए लगेगा। तो आइए हम चीज़ नूडल रोल्स बनाना शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अभी हम पहले नूडल्स बना लेते हैं। ये मैं थोड़ा पानी डालती हूँ नूडल्स बनाने के लिए। पानी को थोड़ा उबाल आने देती हूँ। पानी को थोड़ा सा उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ये नूडल्स डालते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ये टेस्ट मेकर भी डालेंगे। मैंने ये नॉर का मसाला जस का फ्लेवर लिया है, आप कौन सा भी फ्लेवर ले सकते हो और मैगी नूडल्स भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नूडल बनके तैयार हो चुके हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नूडल्स अभी ठंडे हो चुके हैं। अभी हम पापड़ को पानी में डिप करके उसको, ये देखिए इस तरह से पानी में इसको डिप करना है और इसको सॉफ्ट बनाना है। जैसा हमने ये साइड से किया है वैसा ही इसे ये साइड से भी करना है और एक आधे मिनट के लिए उसको हम इसमें रहने देंगे ताकि हमें इसको सॉफ्ट बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे कैसे चेक करना है, ये देखिए इस तरह से इसे फोल्ड होना चाहिए। मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये जो नूडल्स हमने बना के लिए है ये इसमें इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम ये चीज़ ग्रेट करके लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे ग्रेट करेंगे और इसका रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए पहले हम ये साइड से इसे फोल्ड करेंगे और बाद में हम इसे ये दोनों साइड से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब जब हम इसे पूरी तरह से फोल्ड करके लेंगे तो बाद में हमें इसे चिपकाना है। इसके लिए ये मैदे का मैंने स्लरी बना के लिया है। ये मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी और इसे ऐसे फोल्ड करके लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सभी पापड़ के रोल बना लेंगे। ये मैं पापड़ के रोल बना के रखती हूँ और फिर फ्राई करेंगे। ये मैं वापस से एक बार आपको दिखाती हूँ प्रोसीजर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पापड़ को इसमें डिप करना है पानी में। आधे मिनट के लिए हम इसे रखेंगे ताकि हमें इसे सॉफ्ट बना। ये मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं वापस से इसके ऊपर नूडल्स डालती हूँ। इसे हम इसके ऊपर ग्रेट करेंगे चीज को। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें इसे ये साइड से फोल्ड करना है। बहुत धीरे से इसे हैंडल करना होगा, फिर इसे हमें दोनों साइड से फोल्ड करना है और इसका अच्छे से रोल बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे ऐसे पकड़ के हम इसे, और जब लास्ट में हमें इसे फोल्ड करना है तब हम इसके ऊपर ये मैदे का जो स्लरी हमने बनाया है ये इसको चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे।
ये देखिए ये पापड़ रोल बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गैस पे ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, अब हम इसमें ये रोल डालेंगे। ऐसे रोल को हम स्लोली फ्राई करेंगे ताकि बाहर का पापड़ जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाता है, इसीलिए हम इसे, ये देखिए फ्रेंड्स हम इसे पलट लेंगे, नीचे के साइड से वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे। ये देखिए वो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, धीरे गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे। ये पापड़ के रोल बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। दूसरे साइड से भी ऐसा ही कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए ये साइड से भी इसे अच्छा कलर आया है, अब मैं इसे निकाल, इस तरह से हमने सभी रोल्स फ्राई करके लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चीज नूडल रोल्स बनके तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप सॉस या मिंट चटनी के साथ खा सकते हो। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।